एक काफ़ी बड़े साइज़ का मोल है लिप के ऊपर आपके, और ऐसे मोल को हटाने के लिए और इस साइट को देखते हुए अगर सर्जरी भी करते हैं तो उसका अपना एक निशान आ सकता है, मतलब एक खिंचाव सा हो सकता है। तो इसमें हम लोग CO2 लेज़र मोल रिमूवल करेंगे, लेकिन CO2 लेज़र से मोल हटाने का एडवांटेज यह है कि निशान ऑलमोस्ट नहीं आता है, मोल वाले जगह पे एकदम नॉर्मल टिश्यू, नॉर्मल स्किन फिर से बन जाएगा। ये सही रहेगा सर। हाँ, अच्छा रहेगा। तो जस्ट अभी CO2 मोल रिमूवल स्टार्ट कर रहे हैं। कोई दर्द वगैरह तो नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। ये ग्रेजुअली बोल का साइज रिग्रेस करते जा रहा है, खत्म होते जा रहा है और फाइनली ये डिसअपियर हो जाएगा। इसी तरह से CO2 लेजर से मोल रिमूवल होता है। सर्जरी, इलेक्ट्रोकॉटरी, केमिकल, बहुत सारी चीज़ें मोल रिमूवल के लिए यूज़ होती हैं, बट ये लेज़र रिमूवल, CO2 लेज़र रिमूवल इस तरह के लार्ज मोल्स के लिए आइडियल टेक्निक है। इसमें ये मोल टोटली डिसअपियर हो जाता है और साइड से टिश्यू नॉर्मल स्किन ग्रो करके इस एरिया को कवर कर देगा। इनके फॉलोअप रिजल्ट्स को हम लोग देखेंगे। एक तो अभी इंस्टेंटली दिख रहा है कि ये मोल पूरा हट गया है और छोटा सा एक क्रस्ट की तरह, एक छाले की तरह ये यहाँ पे दिख रहा है वाइटिश सा। ग्रेजुअली ये ब्लैक होकर के स्कैप बन के निकल जाएगा और यहाँ पर नॉर्मल स्किन रीजनरेट करेगा। तो ये बेस्ट टेक्निक है इस तरह के लार्जर मोल रिमूवल, स्पेशली ऑन द वाइटल एरियाज, ऑन द लिप, ऑन द टिप ऑफ नोज, ऑन द आईलिड्स, दीज टाइप ऑफ एरियाज। अदरवाइज ये मोल अगर कहीं और रहता तो उस पर सर्जरी भी की जा सकती थी, बट लेकिन यहाँ पे अगर करते सर्जरी तो एक टेंटिंग सा दिखता है। इसी तरह से आई के मार्जिन पे वही बात होती है, लिड्स पे, नोज पे, तो वाइटल क्रूशियल एरियाज पे दिस इज द बेस्ट टेक्निक।